ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 26 अगस्त 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:14 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। मंथली एक्सपायरी नज़दीक आ रही है, तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 25 अगस्त आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। ब्रेकआउट लेवल हमारा कल बन रहा था 11,486 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,451। तो निफ्टी इंडेक्स शुरू में ओपन हुआ, फर्स्ट टारगेट के ऊपर ये ओपन हुआ और अराउंड सेकेंड टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस करके ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ आया। तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना, एग्जैक्ट बाउंस बैक हुआ तो फर्स्ट टारगेट के पास इसने एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से टूवर्ड्स साउथ की तरफ जब ये बढ़ा तो ब्रेक डाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया। यहाँ से बाउंस बैक होने के बाद ब्रेकआउट लेवल के पास काफ़ी देर ये पेनेट्रेट हुआ, ये काफ़ी देर इस लेवल को पेनेट्रेट किया, तो काफ़ी एक्यूरेट ब्रेकआउट लेवल भी यहाँ पर हमारा साबित हुआ। और जब सेकेंड टाइम टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ तो ब्रेक डाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट फिर से अचीव किया, सेकेंड टारगेट भी इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव किया और एग्जैक्ट ऊपर आके फिर से ब्रेकआउट लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो कल काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 13 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और टेल नॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते अराउंड 9,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता है। काफ़ी वॉलेटाइल डे था कल का। सबसे पहले अभी ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडैक में फिर से एक बार तेजी देखने को मिली, नासडैक करीब 86 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो कमजोरी फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही है। लास्ट 2 वीक्स से वहां पर भी एक साइडवेज पैटर्न है, कमजोरी देखने को मिल रही है। एशियाई बाजार देखे तो जापानीज इंडेक्स निक्केई 39 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, हालांकि एसजेएक्स निफ्टी 14 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल एशियाई बाजार मिला जुला कारोबार इस समय दिखा रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखे तो हल्की सी कमजोरी यहाँ पर इस समय दिखाई दे रही है 33 पॉइंट्स की। तो ग्लोबल मार्केट से भी एक्सपायरी के पहले कुछ दिन यहाँ पर एक कमजोरी, एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी की चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। मंथली चार्ट में जैसे कि हम यहाँ पर देखते आ रहे हैं, ये टेक्निकल व्यू है, हम टेक्निकल लेवल्स के अकॉर्डिंग कहाँ पर निफ्टी पॉज ले सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है, ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फंडामेंटली ग्लोबल न्यूज़ क्या आ रहा है उसके बारे में हम एनालिसिस नहीं कर रहे, हम सिर्फ लेवल्स को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, किस लेवल के बाद यहाँ पर तेजी आ सकती है, यहाँ पर किस लेवल तक निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट टेस्ट कर सकते हैं। तो एज पर मंथली चार्ट अभी ये जो बियरिश कैंडल था, ये लॉन्ग बेयरिश कैंडल था, इसका हाई जो है ये अभी इसने ब्रेक कर दिया है इस महीने के कैंडल ने, लेकिन अभी तक ये मंथ यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर ये मंथ कंप्लीट होता है और इस बेयरिश कैंडल को अगर ये कंफर्टेबली ब्रेक करता है ऊपर की तरफ और सस्टेन करता है तो निफ्टी इंडेक्स में और तेज़ी यहाँ से देखने को मिल सकती है। निफ्टी फिलहाल ब्रेकआउट देने की कगार में है, ये जो लॉन्ग बेयरिश कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुआ था इसी के हाई और लो के बीच में ये 1, 2, 3, 4 और 5 महीने इस रेंज के अंदर ये ट्रेड हो रहा था। अभी इसका हायर, ये जो हाई लेवल है ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पर क्लियर हमें ब्रेकआउट मिल सकता है और यहाँ से फिर निफ्टी इंडेक्स में और तेज़ी देखने को मिल सकती है और इमीडिएट सपोर्ट होगा मंथली चार्ट के हिसाब से ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है ये अराउंड 10,850 के पास है। आप देख सकते हैं पास्ट में कैसे यहाँ पर इसने सपोर्ट का काम किया है, जब भी यहाँ से करेक्शन आता है तो 20 EMA को फर्स्ट ये सपोर्ट लेता है और यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाता है।
तो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट होगा एज पर मंथली चार्ट, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं तो 10,850 ये फर्स्ट सपोर्ट होगा अगर यहाँ से कोई भी करेक्शन आता है तो। तो ये मंथली चार्ट का सीनारियो है। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में लास्ट स्विंग हाई लो को पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, तो कल जैसे कि 11.486 है ये लेवल को जस्ट आके इसने यहाँ पर ही क्लोज दिया ऊपर। हालांकि ओपन हुआ था लेकिन प्रीवियस डे यानी मंडे को जो तेजी आई थी उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आना लाजमी है। तो यहाँ पर अगर ये जो बियरिश कैंडल देखे रेड कैंडल बना है लेकिन जो हायर आए हायर लो का पैटर्न है वो कंटिन्यू है, यानी प्रीवियस कैंडल का हाई और लो के ऊपर करंट कैंडल का हाई और लो है और ये कंटिन्यूस चार अभी कैंडल्स हमें देखने को मिल रही है जो हायर आए हायर लो का पैटर्न यहाँ पर कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। वैसे ही हमने यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न आइडेंटिफाई किया था राइजिंग बॉटम्स जिसे हम कहते हैं, ये एक ये अभी दो, लेकिन इसका अभी ये जो नेक लाइन है इसका ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं मिला। ये जो नेक लाइन बनेगा यहाँ पर इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है। पास्ट में हमने जैसे यहाँ पर देखा है ये जो डब्ल्यू पैटर्न राइजिंग बॉटम्स बनते हैं उसके बाद निफ्टी इंडेक्स में ऊपर प्राइस एक्शन में भी अपसाइड मूव देखने को मिलता है ये देखिए। तो अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, जैसे इसका ब्रेकआउट मिलता है हमें नेक लाइन का तो यहाँ से निफ्टी इंडेक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ से ये करेक्शन गहराता है क्योंकि कल एक्सपायरी है तो हो सकता है लोग पोजीशन रोल ओवर करें या फिर प्रॉफिट बुक करें, तो ये 11,400 के पास हमने देखा था लास्ट तीन चार दिनों से यहाँ पर अटक रहा था निफ्टी इंडेक्स, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा था ये एक ये दो ये तीन ये चार दिन। तो 11,400 एज पर डेली चार्ट एक सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर ये स्विंग हाई बना है जहाँ पर इसने ये रेजिस्टेंस फेस किया था 11,350 के पास। तो 11,350 और 400 एक सपोर्ट जोन है, वो अगर ब्रेक होता है तो 20 ईएमए में एज पर डेली चार्ट नेक्स्ट सपोर्ट होगा जो कि अराउंड 11,250 के पास है। तो ये सपोर्ट लेवल्स है और ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स अगर जैसे कि हमने मंथली चार्ट में देखा, अगर मंथली चार्ट में ब्रेकआउट मिलता है जो मार्च का बेयरिश कैंडल बना है उसको अगर ब्रेक करता है मंथली में सस्टेन करता है क्लोज देता है तो और भी निफ्टी इंडेक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये था डेली मंथली चार्ट का एनालिसिस, चलते 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल के जो हमारे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स बन रहे थे वही आज के लिए सेम हो सकता है हमारे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो लेवल था ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर कल भी इसने पेनेट्रेट किया है इस लेवल को, इस लेवल के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पाया और नीचे भी देखें तो ये जो लेवल बन रहा था इस लेवल के नीचे ये क्लोज नहीं दे पा रहा था आर्ली चार्ट में, ये सिर्फ इस दायरे के अंदर ये ट्रेड कर रहा था। लगभग एक 30-35 पॉइंट का ये रेंज था इसी के अंदर ये ट्रेड हो रहा था, इसके नीचे जाके या फिर ऊपर जाके ये क्लोज नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी इंडेक्स अगर आज 11,452 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 11,440 जो कि 20 ईएमए का ये पिंक लाइन है, यहाँ से हो सकता है निफ्टी बाउंस बैक हो तो एक क्विकली टारगेट होगा 11,450 और उसके बाद नीचे 11,421 जो कि पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो कल का एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसका अपर बैंड यानी 11,495 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,512, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,525, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।